से शेयर करते कि यार मुल्तान बहुत ही गर्म शहर है, लेकिन माशाल्लाह जून लग चुका है और स्टार्ट हो गया और माशाल्लाह और पंखे लोगों के अभी तक बंद है क्योंकि हमें इसने बिजली बचाई है। पंखा राशिद के घर हम गए थे, इसने जो पंखा था वो बंद रखा हुआ था। मेरे दिल की धड़कन तेज होती है जब जब पंखा चल रहा है। रिजवान भाई भी तोड़ने की ताड़ में पूरे, ये हमें साइड पे करके ये तोड़ने वाला है। इमली देनी होती है तो इस तरह देखे है ना, ये देखें ये वाली, ये किसी मेडिसन में हकीम वगैरह या कोई चीज में यूज होती है। ये अब आई डोंट नो ये किस में होती है ये तो, लेकिन इधर आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि मुल्तान का मौसम बहुत अच्छा जा रहा है मेरे ख्याल में कुछ महीनों से, है ना, कुछ बहुत हाँ, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने वैसे मुल्तान वालों पे करम, क्योंकि बहुत से शहर कहते हैं कि यार मुल्तान बहुत ही गर्म शहर है, लेकिन माशाल्लाह जून लग चुका है और स्टार्ट हो गया और माशाल्लाह और पंखे लोगों के अभी तक बंद है क्योंकि हमें इसने बिजली बचाई है। पंखा राशिद के घर हम गए थे, इसने जो पंखा था वो बंद रखा हुआ था। मेरे दिल की धड़कन तेज होती है जब पंखा चल रहा है, जब क्योंकि एसी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसने पंखा भी बंद रखा हुआ था। तो बहुत जालिम बंदा है ये बंदा। हम इस वक्त थोड़ा सा गाँव वाली साइड पे आए थे तो घूमने फिरने के लिए, मौसम बहुत अच्छा। टाइम क्या हो रहा है, टाइम एग्जैक्ट हो रहा है 4:28। तो जैसा की बता दिया है मेहरन भाई ने 4:28, तो उर्दू बता सकता था, चलो फिर भी समझ आ गई होगी आप लोग। साढ़े चार का टाइम है और जून में आप यकीन करें मेरे ख्याल में रिजवान भाई भी तोड़ने की ताड़ में पूरे, ये हमें साइड पे करके ये तोड़ने वाला है। इमली देनी होती है तो इस तरह ये कैमरे में आ चुका है। तो इस वक्त अभी पकी तो ये मैं भी आपको दिखाऊंगा कि इस वक्त जो आम है वो आ चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही खूबसूरत। हम अपने दोस्त के पास आए थे, समी के पास, तो इस जब अभी आम दिखाता हूँ मैं आपको, ये बहुत आम हो चुके हैं अब इस वक्त। और सबसे बड़ी बात ये कि हम उससे मिलने आए थे तो घर नहीं था, तो हम आपको थोड़ा सा विज़िट करवाएंगे। ये थोड़े जो आम शाम लगे हुए हैं और जो वहाँ का यहाँ का जो माहौल है गाँव का बहुत अच्छा लगता है यार। आप ताज़ी ताज़ी हवा में आते हैं तो ना शोर ना शराबा, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ें, बाइक भी गुजरती है तो बहुत तकरीबन घंटे दो घंटे बाद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और मैं फौरी तौर पे मैं आया हूँ खोजी बन के दरियाफ्त कर चुके हैं। हाँ, एक चीज़ मैंने दरियाफ्त किया, आप इधर आए इधर आवाज़ें मेरे जल्दी जल्दी ना, ये देखें ये यहाँ पे ये जो चीज़ लगी है ना, ये देखें ये वाली, ये किसी मेडिसन में हकीम वगैरह या कोई चीज़ में यूज़ होती है। ये अब आई डोंट नो ये किस में होती है ये तो, लेकिन इधर आइए, ये ऐसी होती है ये देखें। हाँ ये हर चीज़ का कोई ना बिल्कुल ज़बरदस्त ऐसे है, जैसे अच्छा बहुत ज़्यादा लगी हुई है ना। हाँ ये ना यहाँ से इन्होंने काटा हुआ, वहाँ से निकला हुआ देखो भैया, अल्लाह ताला की कुदरत है। मैं भी इसमें ये रस इसी चीज़ से जाता है, ये देखो ना अगर गौर किया जाए तो ये तो ये हाँ ये छेड़ा अल्लाह ताला की कुदरत है। देखें राशिद कह रहा है यहाँ से अफीम निकलती है, बहुत दरियाफ्त कर दी इसने। आप क्यों जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, तो ये देखें सोच डिफरेंट है। अम्बलियाँ लग चुक गई हैं, तो अम्बलियाँ जो है पक रही हैं, आम अम्बली पक गई हैं अम्बलियाँ, तो ऐसे तो गुजरा। हाँ माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, भट्टी के पूछे बगैर हम खा नहीं सकते। ये वाला इरादा था कि यहाँ सुनने में आया, आजकल YouTube पे बहुत ट्रेंडिंग में जा रही है, इस जैसा कि YouTube में ट्रेंडिंग में जा रही है, मेरे मुँह से कचली निकल गया, तो जैसे मैं कह रहा था कच्ची, तो कचली यार कच्ची कहते हैं यार, कच्ची अम्बी जिसे कहते हैं, हाँ कच्ची पक्की नहीं नहीं कच्ची ही होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि अच्छी अम्बली की जो होती हैं उसका आप शरबत बनाएं, इसको बॉयल करके जबरदस्त, और मैं और जब भी बनाएं ना हमें भी बुलाएं हम वेट में हैं। हाँ जी, तो गर्मियों का बहुत ही जबरदस्त, ये वो कह लें जो ट्रेंडिंग में शरबत जा रहा है यूट्यूब पे, आप देखें 4 से 5। हाँ तो ये फालसे लगे हुए हैं भाईजान, फालसे हैं ये फालसे। अच्छा ये बताओ कि ये लफ्ज कैसा है, फालसे होता है या फालसे होता है? जैसे आपका दिल करे वैसे क्या जो आपको कोई नहीं रोकेगा वैसे फालसे होता है। नहीं वैसे क्या होता है, फालसे फालसे ज्यादा है तो फालसे, वैसे सिंपल है तो फालसा कह लो आप। नहीं फालसे कहते हैं कुछ यार, से होता है ये रिजवान भाई ने कह दिया। तो ये अभी इनमें जाएंगे और आपको दिखाएंगे फालसे कैसे लगे हुए होते हैं, बहुत बढ़िया। तो सॉरी ये फालसे नहीं है, ये भट्टी ही बताएगा। रिजवान भाई क्या लग रही है, व्हाइट व्हाइट कपास लग रही है, वो कपास तो नहीं है ये, उसी का फल है जो फट जाता है। अच्छा तो ये हमें नहीं पता ये क्या है, तो ये समी ही बताएगा ये क्या है। ये देखें हाँ ये लग रहा है अभी, हाँ ये लग रहा है, ये अनार है नहीं, अनार ऐसा नहीं, अनार के पत्ते भरी को तरह भाई, हाँ दरख्त होता है ये, वो है
अमरूद कहाँ से आ गया? अमरूद लग रहा है, अमरूद लग रहा है। तो चलो अभी कश्मकश में है तो वो रहे आगे, मेरे ख्याल में देखते चलें। रुजवान भाई दिखाते हैं अपने व्यूवर्स को कि इधर इन्होंने लगाया क्या क्या हुआ समी और उन्हें। तो ये भी मुझे अनार लग रहा है यार, ये नहीं अनार नहीं लग रहा हूँ। तो हम इस वक्त ढूंढ रहे थे, मुझे लगा ये अनार है लेकिन ये अनार नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये कोई और ही चीज़ है। तो अनार उस साइड पे है, जैसे कि ये अल्लाह ताला की कुदरत है, हर दरख्त हर फल का जो टेस्ट है वो चेंज होता है और वो बताता है, बल्कि हत्ता कि उसकी उसकी जो शेप है, पत्ता है, जो भी है, दरख्त है, किसी की छोटी सी बूटी जैसे ले लें, हर अल्लाह ताला ने एक चीज़ रखी हुई है। और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने इंसानों को दी हुई है, ज़मीन से ही पैदा कर, ज़मीन से ही पैदा है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, ये है, ये माल्टा लगा हुआ रिजान भाई, ये माल्टा लगा हुआ है, ये माल्टा लगाया हुआ इन्होंने, नींबू तो नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में कोई असरात नहीं माल्टे को, ये माल्टा है। इसके पत्ता मैं सूंघ के बता दे रहा हूँ भाई, वो ज़बरदस्त।